सुबह शाम मकान मालकिन का फोन आ रहा है, ये हो रहा है, खाली कीजिए, जल्दी खाली कीजिए। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हंसने वाले इमोजी डाल दीजिएगा। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। जितने लोग अगर प्लान कर रहे थे पटना में मिलने का, या हम लोग भी प्लान कर रहे थे उन लोग से मिलने का। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। गुड आफ्टरनून इसलिए हो रहा है कि काफी लेट हो गए हम, सो के उठे 11 बजे करीब, नहाते वहाते 1 बज गया है। तो अब जा रही हूँ मैं बैंक, कुछ काम है, कुछ अमाउंट उलझे पड़े हैं उसमें। दोनों एक ही जैसा दोनों एक ही जैसा हम लोग पहन लिए। गले का डिजाइन तो बहुत सुंदर, खुद बनाए नहीं? ऐसे ऐसा लग रहा है माल नहीं रखा रहता है, एक एक निकाल निकाल के यूज करेंगे। नहीं, मास्क का हो जरूरत होगा ना, एक निकाल लिया, मास्क लगा लिया। ठीक है, आ रही हूँ मैं बैंक से। हम बैंक निकल चुके हैं, देखते हैं क्या है। कुछ प्रॉब्लम आ गई है अकाउंट में, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। 5 वर्किंग डेज तो हो चुके हैं लेकिन कुछ अमाउंट उसमें फंसे हुए हैं। तो ये अब आज फिर मैं आई हूँ देखने घर, देखते हैं। ये स्टोर सर्वेंट रूम हो गया और ये रहा रूम, जैसे जस्ट लाइक वो जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसी तरह का है एकदम। और ठीक है, लाइटिंग है, ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है। ये किचन का भी अच्छा बना रहे हैं, किचन का ठीक है। और इसका एंट्री शायद इधर से है। बाबू समझो इशारे, गैस है, बैंक का तो काम नहीं हुआ अभी, बोला है कि 2 दिन और देख लीजिए उसके बाद कीजिएगा, मतलब कि बैंक का काम। और उसके बाद फिर गए घर देखने, तो घर ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिमेरिट सब में होता ही है। डिमेरिट इसमें ये है कि डाइनिंग टेबल कहाँ लगाएंगे, दरवाजा इधर से खुलता है फ्रिज की तरफ से। अब देखा जाएगा भाई, कौन हमको अपना घर है कि अपना घर में ये करे वो करे। गिलास में रख के सेव खाया जा रहा है, इतना पसंद इसको पड़ रहा है ये गिलास, सारा खिलौना छोड़ के ये गिलास से। करना खुशी हो रहा है। तीन फ्रॉक मंगाए गर्मी में पहनने के लिए, घूमने जाना है फिर। ये तीन फ्रॉक मंगाए हैं, बहुत सुंदर है, कलर भी अच्छा है, कलर भी तीनों का बहुत सुंदर। परी लगेगी बेटी, परी लगेगी, पली पली लगेगी मेरी बेटी। गुड़िया लगेगी, गुड़िया कितना खुश है, कितना खुश है। कल से गई ये और जब से बुआ दी है, बुआ दादी इसकी ग्लास, अब तब से ये ग्लास लेके उसी ग्लास में दूध पीना, उसी ग्लास में चाय पीना, उसी ग्लास, और ग्लास हाथ में ली हुई है। सुबह माया ऑफिस से तो चाय चाहिए उसको उसमें। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए, दालू चाहिए, दालू 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 चाहिए, ये भी चाय भी दाल इसका तैयार हो गया, दाल चाहिए, दाल 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 पीती है इसी ग्लास से। देखो देखो, अब दादी को थैंक यू बोली, दादी को थैंक यू बोल दो, मम्मा मम्मा, बउआ 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 थैंक यू बोलो दादी को कि दादी ग्लास बहुत अच्छा लगा। बउआ इधर मुंह करके बोल दो दादी को थैंक यू। पापा है रूसी में डाल देगी, हटाओ चाय। बाबा मैं तेरी बिटिया, देखिए कैसे दादी की उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही है, एक हाथ से पकड़ी हुई है उंगली, एक हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही है, हाथ पकड़ी हुई है, उंगली नहीं हाथ पकड़ी, पहले उंगली पकड़ी थी, पहले उंगली पकड़ी थी फिर हाथ पकड़ी। पूरा मुझे पता कैसे खींचेंगे तो निकल जाए, निकल जाए। नाना चोर है क्या, पता चल गया कि वीडियो हो रहा है। अच्छा गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो। आई एम फाइन, हाँ लिखा हुआ है देखिए, आई एम फाइन। हाँ बेटा, हाँ सब्सक्राइब करना, हाँ हाँ गुड नाइट बोल दिया, गुड नाइट हो गया, बोल दिया बेटा गुड नाइट।
The next morning. ले भाई क्या है, कहाँ जा रहे? स्कूल जा रहे? स्कूल जा रहे बाबू? सुना स्कूल जा रहा है? 11 बजे तक यही खेलना है इनको। अले वाह। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। रिद्धि की शैतानियाँ शुरू है। मैं भी कॉफी पी ली, आज उठ गई थी, अपना टाइम पे ही उठ गई थी। सुबह होता नहीं है कि बस मकान मालिक का फोन आ जाता है, मकान मालकिन का, कब खाली कर रहे हैं, कब खाली कर रहे हैं। जब एक बार बात हो गई कि हम भाई 38 जुलाई तक खाली करेंगे, तो नहीं कब खाली करें, एकदम टेंशन। देखते हैं कि क्या होता है, अपनी मंजिल कहाँ जाती है। फिर जा रही हूँ मैं घर देखने, ये डेली का रूटीन हो गया है मेरा। देखते हैं आज का क्या है, कैसा है। सुबह शाम मकान मालिक का फोन आ रहा है, ये हो रहा है, खाली कीजिए, जल्दी खाली कीजिए। शुभम वाला बेड नहीं आएगा? शुभम वाला बेड नहीं आएगा तो चेंज कर लेंगे, और क्या खुलेगा। अच्छा, इसमें ना थी भी नहीं है ना, अलमीरा उलमीरा कुछ नहीं है, परेशानी हो जाएगी उसको। एक ये बाथरूम हो गया, कोई है नहीं ना, ये भी बाथरूम भी छोटा है। ये किचन, ये हो। अच्छा, फ्रिज यहाँ आप रखे हो ना? फ्रिज का जगह वही है। अच्छा, ये सेल्फ ये सब हो गया। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? इतना कुछ खींच लिए, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। कौन स्टाइल है भैया? सब के सब बुढ़ापे में ना पागल ही होते जा रहे हैं। एक यहाँ पे पोलो खेलने पे लगे पड़े हैं, एक वहाँ पे गाना गाने पे लगे पड़े हैं, एक ये जमीन पे बैठने पे खुश हो रही है। पता नहीं चल क्या रहा है इस घर में। अब मैं लगता है ये ब्लॉग ना मेरे पिटाई पे ही चलने वाला है। अबे चल, मैं फैमिली आप लोग से एक चीज बता दूं, आप लोग को नहीं पता होगा, दो दिन से बड़ा अच्छा लग रहा है, की तरह साफ हो गया बिल्कुल। मैं वैसे बुराई करने वाला था, मगर अब इन लोगों ने बड़ाई कर दी। मगर नहीं, मुझे बोलना है, बात बोलनी है, ये लोग बहुत तेज लगा रहे हैं। आप लोग को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, दो दिन से जो ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं ना, 5-6 बजे आ रहे हैं शाम में, उसके पीछे रीजन है ये लोग, ये तीनों के तीनों, और एक अमित भैया जो गायब है अभी। क्या करूं, गर्मी इतनी होती है। नहीं, रीजन मैं बताता हूँ, रीजन क्या है, खाना पीना कुछ नहीं, रीजन ये है कि हमारी एक फैमिली ट्रिप की प्लानिंग चल रही है। मैंने आप लोग को बताया था आने वाला वक्त बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही लंबे लंबे ट्रिप लगने वाले हैं, मगर अब इन लोगों ने अचानक से उस चीज को कैंसिल कर दिया है। लगने वाले हैं, एक घर से दूसरे घर जाने वाले हैं। नहीं, वो तो है, एक घर से दूसरे घर तो है ही, मगर और भी लंबे ट्रिप लगने वाले हैं, तो बस अभी बताएंगे आपको, आने वाले दिनों में बताएंगे जब फाइनल हो जाए। मैं बताती हूँ, सुबह ब्रश करके उठो, मकान मालकिन का फोन आता है, हाँ जी कब खाली कर रहे हैं? डेली का है। तो यार इनको स्टोरी बोलने नहीं आता है, मैं ही बता देता हूँ। सच्चा सुबह सुबह ब्रश करके जैसे आओ तो मकान मालकिन का फोन आता है, हाँ जी सिन्हा जी कब खाली कर रहे हैं? तो सिन्हा जी बोलते हैं मैं तो बोल ही चुका हूँ वही डेट। फिर रखा जाता है फोन, फिर चाय का चुस्की लिया जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर शर्मा जी का फोन आता है, सिन्हा जी बोलते हैं मैं तो एक बार बोल ही दिया हूँ। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हंसने वाले इमोजी डाल दीजिएगा, बहुत हंसने वाली बात थी जिसमें हमें हंसी नहीं आई, मगर आप लोग दिल रखने के लिए डाल दीजिएगा। इसमें हंसने की बात नहीं है, इसमें दिमाग सुबह सुबह ब्रश करके आदमी कुछ मुंह में डालता है तो उनका बातें डलती है कि भैया घर खाली करो। आप लोग को सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। सोच लेना। नहीं नहीं, हमको इतना ही बता दो कि बड़ा कौन है, तुम हो कि मैं। डीप साइलेंस क्यों हो गया भाई? मुश्किल से अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ ना यार, उस वक्त से मैं ये डिलीट कर रही थी, जेप्टो से सामान मंगाई थी तो डबल आ गया था, डबल हो गया था, डिलीट करें तो और बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्या है भैया। यार इनका अलग ही किस्सा है, चलिए जो बात कर रहे हैं वो बात, हमको बताओ ना। जाएंगे नहीं जाऊँगा, मेरे सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे सवाल का जवाब सवाल है ही नहीं, है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं है, मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब कटोरी अपने पी लो, आप आने से, अब तू अब आने से
अभी बहुत ही बड़ा डिस्कशन चल रहा है, देखिए आप आने से की बात है, ये लोग बहुत ही बड़ा लफड़ा डाल रहे हैं, ये शख्स जो है सो बहुत लफड़ा डाल रहा है। तो भाई हमारे घर में आ गया आज पहली बार आम इस सीजन का है, पहला आम आया है हमारे घर में, पहला आम आ गया हमारे घर में इस सीजन का, पहली बार आया है। अरे वही बात एक ही है, पहला आम पहली बार वही जो भी है। अभी हमारी बहू नहीं है तो हम टांग खींच रहे हैं शुभम का। और आज पता नहीं क्यों ये आलू की सब्जी क्यों खाते हैं, बोले थे बनाने के लिए, आलू का दम निकला हुआ है ऐसा लग रहा है, ये आलू दम तो है ये नहीं, खाओ ना तुम्हारा पसंद का। हाँ वो मैं खाऊंगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये मुझे क्यों ज्यादा दी, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो तुम्हारा नहीं है वो मेरा। एंड फैमिली एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अभी जहाँ पे जाने वाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं वो अभी का नहीं है, वो थोड़े दिन बाद का है, बाकी पटना भी जाना है तो बताते हैं अभी क्या होने वाला है। पटना का प्रोग्राम एक्चुअल में पोस्टपोन्ड हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है बोले, ये तो मुझे अभी पता चला, तो टिकट जो बुक की है वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि टिकट फिर कैंसिल, इसलिए कि मकान मालकिन डेली सुबह शाम हम लोग का जीना आराम कर दिए। तो जितने मतलब कहने का मतलब छोड़ो ना क्या होगा, देखने तो देखने दीजिए, मतलब जितने लोग अगर प्लान कर रहे थे पटना में मिलने का या हम लोग भी प्लान कर रहे थे उन लोग से मिलने का, तो मैं मतलब अब सॉरी कहता हूँ। और जो बोले थे कि हमको कहीं बाहर जाना है किसी काम से, अभी बताएंगे नहीं, बाद में आप लोग को बताएंगे, वो हमें जाना है घर शिफ्ट करने के बाद, घर या पहले या बाद में, लेकिन वो मतलब वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी है हमें जाना, डेट फिक्स होते वो निकलेंगे हम लोग, जैसे वहाँ से डेट आएगा, जैसे वहाँ से डेट आएगा और किस शहर में जाना है वो मैं भी बताऊंगी उसी वक्त करूंगी। शायद हमारे एक सब्सक्राइबर वहां से हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, अब वो आप लोग अपना अपना शहर लिख के कीजिएगा, नहीं आप लोग अपना शहर लिख के कमेंट कीजिएगा तो हम लोग बताएंगे किस शहर में रहता है ताकि हमें सुविधा मिले एग्जैक्टली घूमने के लिए पता चले। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल रिटायर्ड कपल, बाय बाय गुड नाइट, इसी तरह हंसते रहते हैं कुछ भी हो तो जामुन खाते रहिए फायदेमंद है। हम लोग